तो तुमने अपने 4 महीने ऑलरेडी बर्बाद कर दिए। और पता है, ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो और शायद उसके पिछले मंथ वाले वीडियो में भी ये बात कही थी कि मुझे पता है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम 12th के या फिर जो भी बोर्ड्स के बच्चे हैं वो अपने 4 महीने क्या, वो अपने इतने महीने बर्बाद करेंगे कि दिसंबर में जब उन्हें ये होश आएगा कि उन्हें अब पढ़ना है, उस समय तक काफ़ी देर हो चुका होगा। और ये बात जब मैं कहता हूँ तो मैं श्योरिटी से, क्योंकि मैं बच्चों के DNA से क्या, मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ, कब क्या डिसीजन लेता है, कब क्या सोचता है और चीज़ों को किस चीज़ से और किस एंगल से देखता है। मुझे पता है कि तुम लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये वाला भ्रम ऑलरेडी आ रखा होगा कि तुम्हारे कुछ सीनियर्स होंगे, कुछ दोस्त होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि लिटरली 2-3 महीने पढ़ के, या हमें एज ए यूट्यूबर, हम लोग जितने लोग हैं जो 1-2 महीने पढ़ के 98-85% लेके आए, तो उन लोग को देख के इंस्पायर हो जाते हो कि हाँ मैं भी कर लूंगा। और ये करके मुझे पता है कि बहुत सारे नहीं, बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने प्रोक्रेस्टिनेट किया। आज की वीडियो में थोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ, तो चलो सबसे पहले तो बातें ही करते हैं। देखो यार, जेन्युइनली अभी तुम्हारा 1-3 महीना नहीं बर्बाद हुआ है। अप्रैल तुमने बर्बाद किया, मई, जून, जुलाई ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, और अगस्त में लगभग समझो कि 7-8 दिन ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। मुझे पता है कि तुम लोगों में से यार 95% ऑफ द पीपल है जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि मेरा सिलेबस क्या है। हालांकि मैंने सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी बना दी है तो जाके देख सकते हो, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि 95% लोग हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता हो कि मेरे कौन से चैप्टर आ रहे हैं, किस चैप्टर से क्या आ रहा है, किस चैप्टर से क्या नहीं आ रहा है, कितना पढ़ना है, कैसे एग्जाम होगा, कितना मार्क्स का होगा, क्या वेटेज रहेगी। और ये एक जेन्युइन बात है जो मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूं तुम्हारे बारे में। नहीं, मुझे एक चीज बताओ, ठीक है तुम्हारी जगह से तुम सही हो, तुम्हारा वेट करने का रीजन, तुम्हारा वेट करने का तरीका, स्टाइल एंड ऑल सब सही है, मेरे को बस एक बात एकदम जेन्युइनली बताना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे अंदर है ऐसा कि तुम 2 महीने पढ़ के स्कोर कर लोगे एकदम टॉप वाला? सच सच बताना। और खास करके ये सवाल उनसे हैं जो JEE और नीट को भी अपने पर्सपेक्टिव में रखें, तुमसे भी यही सेम सवाल। एक बार ऑनेस्टली खुद से पूछोगे ना, तुरंत 1 सेकंड में रियलाइजेशन हो जाएगा अगर अपने आप से ऑनेस्ट हो तो, कि भैया मैं तो उठ के पानी तक नहीं लेता हूं, पढ़ाई तो दूर की बात है। देखो यार, जेन्युइन बात बता रहा हूं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो हर चीज पढ़ाई को देता है, मैं ऐसा नहीं हूं कि हर चीज पढ़ाई को प्रायोरिटी देता हूं। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को देखने आए हो तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए पढ़ाई मैटर करती है, नहीं तो शायद तुम इस वीडियो को देखने भी नहीं आते। सिर्फ इसलिए तुमसे ये बात कर रहा हूं। देखो यार, मुझे पता है कि अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं पीरियोडिक पढ़ाई कहां से करूं। सबके साथ ये होता है, मैं भी 12th में था, मेरे साथ भी ये होता था कि मेरे को एक चाहिए होता था कि हाँ इतने तारीख को ये चीज पढ़ना है, इतने तारीख को ये पढ़ना है, एक प्रॉपर बैच, एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर स्केड्यूल, सेट ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ चाहिए होता था पढ़ाई करने के लिए। और जब ऐसा कुछ मिल जाता था तो हम लोग काफी कंसंट्रेटेड हो जाते थे अपनी पढ़ाई को लेकर। अभी मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारे पास ये चीज का ऑप्शन है, क्योंकि अनअकैडमी अभी तुम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ कैफे पीडी आर्मी के लिए PDN10 कोड यूज करके आप लोगों को भी मिलेगा 20% और उससे भी ज्यादा ऑफ यूजिंग द कोड PDN10 ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तुम कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लोगे तुम्हें ये ऑफ मिलेगा। और मैं बता दूं, इतने कम प्राइस होने के वजह से, क्योंकि 20% इज नॉट नॉर्मल ऑन अनअकैडमी, आपको जनरली 5-10% मिलता है, अभी 20% मिल रहा है सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपने इस जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा बूस्ट दे सको। देखो यार, अनअकैडमी पे काफी सारे बैचेस चलते रहते हैं और बहुत सारे 12th के लेटेस्ट बैच लॉन्च हुए हैं विद द टॉप एजुकेटर्स, और उससे पढ़ के तुम बहुत ही प्री स्केड्यूल्ड प्लान में भी पढ़ सकते हो और गारंटेड मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो नियर बोर्ड्स एग्जाम, क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छे एजुकेटर का सपोर्ट है, बहुत अच्छे मटेरियल्स है पढ़ने के लिए, और एक ही सब्सक्रिप्शन पे सारे बैचेस का एक्सेस कर सकते हो जो भी चल रहे हैं और आगे जो भी आएंगे। तो फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके अपना सब्सक्रिप्शन बाय कर लो, बिकॉज अभी तुमको सबसे कम रेट में मिलेगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड PDN10। मैं ये बता रहा था कि मैं जेन्युइनली उसमें एकदम नहीं मानता कि हाँ पढ़ाई ही सब कुछ है। ये चीज पता है, 10th में था तो मुझे लगता था पढ़ाई सब कुछ है, 12th में था तो लगता था पढ़ाई सब कुछ है, ग्रेजुएशन में भी ऐसा लगता था लिटरली कि पढ़ाई ही सब कुछ है। अब मैं आ गया हूं PGDM करने। PGDM अगर लेमैन टर्म में समझाऊं तो दिस इज MBA, ठीक है। यहां पर पता चला ना कि वो जो पढ़ने वाला था ना अकेडमिक्स का बंदा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई कॉलेज में। जो पढ़ने में 95%, 98%, 99% लाने वाले बच्चे थे ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। Because the main thing is कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस क्या है, MBA is all about that. MBA is about speaking, MBA is about confidence, MBA is about talking. तो मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना ही सब कुछ है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हें सबको MBA करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज होती है जो बेसिक चीज होती है, आज के डेट में वहां पर सिर्फ वही बच्चे बैठे हैं जिनका अकेडमिक्स अच्छा था, क्योंकि कॉलेज सिर्फ उनको सेलेक्ट कर रही है। तो हमें जब पता है कि ये क्राइटेरियाज आगे चल के हमारी यूज होने वाली है, ये 12 का मार्क्स आगे चल के मैटर करने वाला है, जो इंसान कहता है कि 12 का मार्क्स मैटर नहीं करता है ना, उस इंसान ने ऑलरेडी बहुत कुछ कमा रखा होता है थ्रू अ डिफरेंट लाइन,
जो कि एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है। अगर तुम्हें पता है तुम्हारे बैकग्राउंड में किसी का सपोर्ट नहीं, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे चाचा परदादा और इन सबका जमीन नहीं है जिस पर तुम बैठ के जिंदगी भर खा के सिस्टम करोगे, तो तुम एक चीज जान लो कि तुमको तुम्हारी पहली पूंजी एकेडमिक्स और पढ़ाई ही ला के देगी और जॉब ही ला के देगी। उस केस में अच्छे एकेडमिक्स तुम्हारे इंपॉर्टेंट होंगे टू गेट योर ड्रीम कॉलेज, पता है तुम्हें। देखो मैं भी एक ब्रॉडर अप्रोच से देखता था पहले, पहले ये सब चीजों को इग्नोर करता था, जब ऐसे एक्चुअल फील्ड में उतरा, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ा, आज पोस्ट ग्रेजुएशन में हूं, आज समझ में आता है कि नहीं वो 12 का मार्क्स कितना मैटर करता था। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हाथ से चली जाती है, बहुत सारे जगह पे वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो हाथ से चली जाती है। सिर्फ यही बताने आया हूं कि अभी भी तुम सीरियस हो सकते हो तो प्लीज सीरियस हो जाओ, अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ है। अगस्त से कैसे पढ़ना है इसकी ऑलरेडी मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड कर दिया, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो, तो मिस आउट मत करो, बस यही तुमसे रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी हम तो हैं ही और हम हमेशा रहेंगे आपके साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, पीस, और प्लीज पढ़ना शुरू कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।